नमस्कार अगस्त अपडेट सहित मु विकास प्रथमे हेडलाइंस कटक कालबैशाखी तांडवरु लंकाकांड बालिसाई अंचल दुईट अस्थायी टेंट घर भांगा पर उत्तेजना पुलिस लोके मुहांमुही गाड़ी भंगारुजा राज्य में कालबैशाखी तांडव ट्विन सिटी में प्रबल घड़घड़ी वर्षा भांगा गच आहुरी तीन घंटा पर एक जिला को आलर्ट सेपटे बलांगीर और सुवर्णपुर उड़गला चाल छपर घर महामारी नकारात्मक राजनीति भारतीय टीका को नहीं कांग्रेस नेता परिहास सोनिया को चिट्ठी लिखिले नड्डा सेपटे धर्मेन्द्र कहिले सामना को आसला कांग्रेस दोमुहा नीति केमिति हेब कोरोना काबू पुणी समय को आसला टीकाकरण सेंटर अव्यवस्थार चित्र वैक्सीन पाई ठेला पेला मंगलपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में सामाजिक दूरता भूलीगले लोके देशरे कमिला दैनिक संक्रमण 24 घंटे 3,29,000 नुआ आक्रांत एपटे राज्य में 9,793 नुआ पॉजिटिव महामारी नेला 18 जीवन एवं आसंता 15 कोविड कटकणारे पुरी रे चंदन यात्रा साधारण लोकों को नहीं अनुमति नीतिकांति पाई जिबे 50 पालिया सेवा तो 72 घंटा पूर्व हबो आरटीपीसीआर टेस्ट एथर आसवा संपूर्ण खबर को कटक कालबैशाखी तांडवरु लंकाकांड बालिसाई अंचल दुईट अस्थायी टेंट घर भांगा पर उत्तेजना देखाई पुलिस गाड़ी को आक्रमण कटक नुआपड़ा बालिसाही जबरदखल उच्छेद को नहीं उत्तेजना जारी रही सरकारी जमीर उच्छेद बेले पुलिस उत्त्यक्त जनता मुहांमुही होते पुलिस गाड़ी भंगारुजा कर सूचना रही स्थित नियंत्रण पर घटनास्थल में व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन होता देखा मिली ये जगार आप रही जी जगार आंतु तुम मान से जगार नहीं चार दे राज्य विभिन्न स्थान में काल वैशाखी तांडव भुवनेश्वर में प्रबल घड़घड़ी सह वर्षा लगी रही है कटक सहर में प्राय सब अंचल जारी रही काल वैशाखी वर्षा तलिया अंचल में पा पशा सह पवन माड़े रिंग रोड में किसी गच्छ भांगी सूचना मिली अपराह्न तीन टा 30 जाए कालबैशाखी वर्षा और वज्राघात नहीं 21 जिला को आलर्ट करिछि पाणिपाग विभाग 50-70 किमी बेगरे पवन आशंका थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि नुआपड़ा नवरंगपुर कलाहांडी रायगड़ा एपटे गंजाम गजपति नयागढ़ सेपटे पुरी ढेंकानाल जाजपुर एवं जगतसिंहपुर भद्रक बालेश्वर आदि जिले में कालबैशाखी वर्षा संभावना रही सेपटे पुरी जिला ब्रह्मगिरी में तांडव रचुची कालबैशाखी वर्षा और पवन वर्षा लगि रही दुई दिन हेब ब्रह्मगिरी ब्लक अधिकांश स्थान में विद्युत सरबराह विच्छिन्न होपरिकी पवन वर्षा जो अनेक कच्चा घर नष्ट अनेकों घर भितर लहड़ी भांगुची वर्षा पा सेपटे लोईसींगा अंचल में कालबैशाखी तांडव पवन बेग बढ़ा सह वज्राघात होउची स्थाने स्थाने कुआपथर माड़ होबार खबर आसीथिबा बेले वर्तमान सुधा कौन धनजीवन नष्ट होबार खबर आसीनाई पाग मेघुआ सह ताकु तुहा वर्षा होउथिबा मध्य सूचना मिलुछि
महामारी संकट रे कांग्रेस रो नकारात्मक राजनीति भारतीय टीका को नहीं परिहास करुचंती कांग्रेस नेता जहाँ को नहीं सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखिचंती जेपी नड्डा देश कोरोना महामारी सहित मुकाबला करथवा बेले कांग्रेस रो भूमिका को नहीं प्रश्न करिचंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहिचंती कांग्रेस रो किछि वरिष्ठ नेता को सह किछि मुख्यमंत्री लोकों मध्य विभ्रांति सृष्टि करबा सहित द्वंद्व बढ़ाउचंती एमिति किछि लोक अछन्ति जे माने देश रे तयारी होइतबा टीका को परिहास करुछन्ति महामारी संकट रे कांग्रेस रो एभळी नकारात्मक राजनीति आश्चर्य नुए दुखित करथवा मध्य कहिचंती नड्डा सपडे जेपी नड्डा को चिट्ठी परे कांग्रेस को केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट आज सूचना युग रे साधारण जनता को आखिरु किछि भी लुचि जाई पारिबो नै देशवासी जानुछन्ती एवं आगो को मध्य जानिबे महामारी समय रे किए लढै करथला आ केउ दल एहा को नै राजनीति करथला कोरोना काल रे कांग्रेस रो राजनीति को नै दुख प्रकाश करिछन्ती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कौन एमिति काबू हेबो कोरोना टीका नेबा पाई ठेला पेला किए जीव किए आग टीका नेबो गेट खोलिले किए आग टीकादान केन्द्र को पसिबो गेट खोलिला जीए पारिला सीए आगे धसे पसिगला ए दृश्य हेउछि पिपिली मंगलपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र टीका नेबा पाई लोकों को प्रबल गहळी अछि जहाँ आपण वाइल स्क्रीन देखि पारथुवे सेमानक मध्यरे सामाजिक दूरता मध्य नै टीका नेबा पाई चढ़ा चढ़ी भली परिस्थिति सामना को आसिछि घटनास्थल स्थिति नियंत्रण पर मंगलपुर सीएससी कर्तृपक्ष कौन पदक्षेप नहीं कोविड नियमर धज्जिया उड़ू गत काली समस्या देखाईला यापर भी प्रशासन पक्षर कौन व्यवस्था करा समान स्थिति देखा मिली राज्य में टीकाकरण अव्यवस्थार ये हे चित्र सेपटे बीएमसी रो ड्राइव इन अभियान आज भुवनेश्वर आउ तीनोटी स्थान रे ड्राइव इन वैक्सीनेशन आरंभ हो गाड़ी भितर टीका दिजार व्यवस्था कर दैनिक प्रत्येक स्थान में 45 वर्ष रु अधिक 300 लोकों टीका दिजाव जो मैंने प्रथम डोज नहीं थे द्वितीय डोज नहीं पारे यार भितर किसी स्थान में अव्यवस्थार चित्र सामना को आसुवा देखा मिलूँ पर्यंत मो पर किसी इनफर्मेसन ना टीका दिया हम कि न दिया हम कहीं किसी इनफर्मेसन दौना थरारे ठिया हो केते आउ पेसेंट रख किए कार कौन काम छाड़ी आसो समस्ते 45 प्लस अच्छा आउ कहार कौन खरारे मुंड फाटिक से मरीज कहीं इनफर्मेसन देवाई ना मैडम बीएमसी रही ना ये आम 8:30 रु 9:30 जो स्लॉट बुकिंग होता आम 8:30 बिफोर 8:30 ये आसिक रही किंतु वर्तमान से कह अनुसार भितर चली गेट टोटाली 8:30 पर खोलनी तेल भितर चली कमी आम तो देखिए भितर 8:30 10:00 बाजला मैंने 1.5 घंटा आम पूरा खरार ठिया आम बड़ी टेम्परेचर सेमती 100 डिग्री है सी से नियर डियर रिलेटिव मानक फास्ट एंटरटेन कराऊँच भितर आउ चोर आम कहूँ जो किसी ना आम गोटे छाई में ढड़ा कर लाइन में आम ठिया हो क्यूरे कि छाई में ढड़ा करूना आम खरार ठिया पूरा टीकाकरण द्वारा संक्रमण रोकाजिबा सह संक्रमण भयावहता को रोक जाई पारुछ अधिकरु अधिक लोकंकु टीकाकरण करबा सरकार का लक्ष्य थिले भी जेतिकि टीका दरकार सेतिकि मिलुनी सप्लाई कम रहिछि पूर्वरु दिनकु 2,80,000 टीकाकरण हेतुबा बळे एबे 40-50,000 टीकाकरण हेउछि ग्लोबल टेंडर द्वारा अधिक अप्रूव संस्थारु टीका मिलि पारिबो जहा द्वारा सरकार का लक्ष्य अधिक लोकंकु टीका करबा पूरण हो पार एथिपाई टेक्निकल कमिटी और मैनेजरियल कमिटी करा जाएगी मोडालिटी प्रस्तुत करा परे प्रक्रिया आरंभ हो सबड़े देश में तलमुहा कोरोना ग्राफ गत 24 घंटे 3,50,000 कम आक्रांत चिन्हट होती गोटे दिन में 3,29,942 नुआ कोरोन संक्रमित होती आउ 3,876 जनक जीवन नहीं महामारी से 24 घंटे 3,56,082 जन कोरोन सुस्थ होती देश में एवं मोट आक्रांत संख्या 2,26,62,575 में पहुंची से मोट मृत्यु संख्या 2,49,992 है।
टेस्टिंग कमिला राज्य में दैनिक संक्रमण कमी राज्य में 10,000 तलकू खसला दैनिक संक्रमण गत 24 घंटे 9,793 नुआ आक्रांत चिन्हट होती खोर्धु सर्वाधिक 1511 पॉजिटिव होती से हीपरी सुंदरगढ़ आउ 1018 जन कोरोन संक्रमित होती कटकु 641 अनुगुल 526 झारसुगुड़ 440 सेपटे नुआपड़ 401 पॉजिटिव चिन्हट होती अनेपटे जाजपुर 376 संबलपुर 356 बलांगीर 342 सेपटे बालेश्वर 314 जन नुआ रोगी चिन्हट होती से हीपरी गत 24 घंटा भितर महामारी नहीं 18 जन जीवन गोटे दिन में 46,241 नमूना परीक्षण होती वर्तमान राज्य में पॉजिटिव हार रही 21.17% राज्य में वर्तमान सुधा एक्टिव केस संख्या 94,829 पहुंची। आसंता 15 कोविड कटकणा मध्यरे नरेंद्र पुष्करणी रे हेबा चंदन यात्रा यात्रा देखिबाकु साधारण लोकंकु अनुमति मिलिबनी नीतिकांति पई पुष्करणी को केवल 50-60 जन को अनुमति दिया जिवो 72 घंटा पूर्वरु समानकर आरटीपीसीआर टेस्ट करा जिवो सूचना देइछंती एने की पुरी जिलापाल एने अधिक सूचना पाई कि सीधा सड़क पूरी प्रतिनिधि आलोक जोड़ी जाइए आलोक कौन रही अपडेट एने की आलोक शेष होइछे किंतु आपण जानिछन्ति गत वर्ष श्रीमंदिर इतिहास रे प्रथम थर पई अक्षय तृतीया होइतिला एवं रथकाट अनुकूल होइतिला किंतु चलित वर्ष सीधासळख परंपरा उज्जीवित रहिबो निहाति भाबरे बाहर चंदन यात्रा नरेन्द्र पुष्करणी रे अनुष्ठित होबा आमे आलोचना करबा आम सहित छत्तीसा निजगर वरिष्ठ सदस्य तथा गराबड निजगर संपादक रजत प्रतिरे अछन्ति आज्ञा गोटे आपण केते खुशी प्रथमे कहुंतु कारण गत वर्ष परंपरा भांगीतिला चलित वर्ष परंपरा उज्जीवित रहुछि निश्चित भाबरे हम बहुत खुशी एवं धन्यवाद दउछु श्रीमंदिर प्रशासन रे मु ओडिशा सरकार प्रशासन दो जो पूर्व रीतिनीति अनुसार जो चंदन यात्रा चलता बर्तमान से ही जगार पुनर्बार चंदन भक्त शून्य चंदन यात्रा करा जाए भारी आम खुशी जहाफल आम सब संतोष प्रकाश एवं करते कम संख्यक सेवायत रे जो नीति हो पार से नीतिकांति हाँपी बर्तमान बंदोबस्त कर बैठक में जहां आम शुणा पाच पास व्यवस्था करूँ रातिचाप हो कि नहीं गोटे संदेहन अच्छी देखंतु प्रत्येक दिन सेवायत मान प्रत्येक दिन पास व्यवस्था जेहेतु समस्त तो प्रत्येक दिन सेवा नहीं तेणु जहार जो दिन सेवा से दिन सेवा पास व्यवस्था द्वितीयतः रातिचाप जो जो दिन आवश्यक से दिन कर प्रतीकात्मक भाव नीतिकांति समाहित हो ठाकुर 9 पूर्व विदाय प्रत्यावर्तन कर श्रीमंदिर को बर्तमान व्यवस्था नरेंद्र पुष्करणी परिवेश परिसर आम कही पारे कि 144 धारा लागू करा जीवो बिना भक्त हम कौन भक्त जो प्रवेश आज एसपी से सकाश प्रकाश कर मंदिर चारिपटे प्रकाश मंदिर चारिपटे तीन रास्ता बंद कर गोटे रास्ता रही से रास्तार केवल से हीपटे ही केवल सेवायत मैंने जातायात करेंगे और अन्य सब 144 पर सब आड़े सिल कर बिना भक्त चंदन यात्रा बड़ कथ हूँ अक्षय तृतीय दिन रथकाठ अनुकूल गत वर्ष श्रीमंदिर भितर लेकिन चलित वर्ष श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय सम्मुखें तीन गोटी धौरा काठ को पूजार्चना कर रथ निर्माण कार्य अक्षय तृतीय ठार आरंभ हम से कौन रेस्ट्रिक्शन कर रथ काठ स्नान यात्रा अक्षय तृतीय जेहेतु रथयात्रार अयम आरंभ हो यार अयम आरंभ प्रथम सरस्वती पूजा रही किंतु जेहेतु तीनो काठर अनुकूल तीनो काठर अनुकूल जो भाव श्रीमंदिर प्रशासन ऑफिस सामने मध्य करा जी से भली भाव करा जीवो एवं जो भली भाव रथ खळारे ताको बंद करा जी बैरिकेडिंग करा जीवो एवं जो भोई सेवक और महाराणा सेवक मान कार्य करिवे स्टिकण भाव कार्य करिवे एवं तापर स्नान यात्रा के भली भाव करा जीवो एवं रथयात्रा मध्य ठीक भाव कि भली करा जीवो से सकाश मत विविध भाव आलोचना करा जीवो तेणु जेहेतु चंदन यात्रा अछि आउ 2-4 दिन भीतर यार गोटे निश्चित भाव यार ब्लूप्रिंट बाहरिबो एवं दिने दिन भितर जिलापाल दायित्व नहीं जहां निर्देश देवे से अनुसार बर्तन कार्यकारी भाव विकास जहां शुणुते वरिष्ठ सेवायत प्रतिक्रिया जहां रखुते जहां आम सूचना आँचुची चंदन यात्रा
50 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 50 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦିଆଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ୁ ସୁଆର ପୂଜାପଣା ନିଯୋଗ ସେବାୟତ ମହାଜନ ସେବାୟତ ଏ ତମାମ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ 50 ଜଣ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ତାର ଠିକ୍ କହିପାରିବେ 15 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ ବା ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରହୁଛି 15 ତାରିଖଠାରୁ ତାର ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଭୋଇ ମହାରଣା ରୂପକାର ଚିତ୍ରକାର କମାର ଦରଜୀ ସେବାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦିନ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଫିଡ୍ ଦିଆଯିବ ସେହି ଫିଡ୍ ଆଧାରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରସାରିତ କରିବେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇକି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଖାସ କରି ସେବାୟତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲା ଆଲୋକ ଯିଏ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ପୁରୀରୁ ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଚୋରକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ କଟକ ନିଆଳିର କୁଳଶ୍ରୀ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ମୋବାଇଲ ଚୋରକୁ ଚିହ୍ନା ପରେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପିଟିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏରଞ୍ଚ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖବର ପାଇ କସରଦା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟକୁ ନେଇ ତୋଟାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ତୋଟାପଡ଼ା ମୌଜାରେ ଥିବା ବାଲିଘାଟରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଏହାସହ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀରେ ଘାଇ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏହି ବାଲିଘାଟ 4 ଏକର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିଲାମ ଥିବାବେଳେ ନିଲାମଧାରୀ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ବାଲି ଉଠାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପିପିଲି ତହସିଲଦାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ସେହିପରି କଟକ ସହରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ପବନ ମାଡ଼ରେ ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ରେ କିଛି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଅପରାହ୍ନ 3:30 ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରାଘାତ ନେଇକି 21 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର 50-60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି ନୂଆପଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଏପଟେ ରାୟଗଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ ସେପଟେ ଗଜପତି ନୟାଗଡ଼ ପୁରୀ ଅନ୍ୟପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇକି ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଛି ପୁଣି ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟ୍ରଲିରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଖରିଦା ଗାଁର କମଳାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଟି ପଡ଼ି କାଦୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ ନପାରି ଅଧ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରଲିରେ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲେ ହେଲେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନପାରି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଟ୍ରଲି ଉପରେ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୋର ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ରାସ୍ତା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଲକଡାଉନରେ ମଦ ବିକ୍ରି ସିଲ୍ ହେଲା ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ଛିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ସହରରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି
ଅମାନିଆ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଲୁଚା ଛପାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ଟିମ୍ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ଠାରେ ଥିବା ଠିପି ବନ୍ଦ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ତେବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଉକ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ରାମେଶ୍ୱରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରେ ସରକାରଙ୍କ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଗଳିଗଳି ବୁଲି ସଚେତନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଭଳି ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଫାଇନ୍ ଆଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ପ୍ରତିଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲକ୍ଡାଉନରେ ମାତିଲେ ମଦ ମାଫିଆ, ଚୋରାରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ପୋଲିସ ମାସ୍କ ଓ ହେଲମେଟ ଚେକିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି ମଦ ବେପାର। ତିନି ଜଣ ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଘରେ କିଛି ମହିଳା ଚଢ଼ଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜିମାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଟିଏମ୍ କଲୋନୀରେ। କଲୋନୀର ଚାରୋଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମଦକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଜବତ କରିଛି। ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ କାନୁଚରଣ ରାଉଳ, ରମେଶ ରାଉଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ 725 ଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲ, 18 ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲ, 160 ମହୁଲି ସହ 4 ମୋଟରସାଇକେଲ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କାର୍, ଜାର୍କିନ୍ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ଓଟିଏମ୍ କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚୋରା ମଦ କାରବାର କରୁଥିଲେ। କେହି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାରୁ କଲୋନୀର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ହୋଇ 4 କ୍ୱାର୍ଟର ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ମଦ ପେଟି ବାହାରକୁ ଆଣିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ନମସ୍କାର।